Hey guys, welcome back with another food blog. This is Versus Malik and you are watching Asansol Studio Brotherhood YouTube channel. So guys, सबसे पहले guys मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो बाइक है ये सोबी का है और सोबी guys मेरे पीछे हैं. और आज guys मैं सोबी और गौरव जा रहे हैं एक नए रेस्टोरेंट जो कि BNR में है. नाम है guys Barrel House, जहाँ पर इंडियन, चाइनीज, तंदूरी और पंजाबी आइटम guys अवेलेबल है. तो गाइस जस्ट अभी हम लोग हैं लोकल ग्राउंड क्रॉस करने वाले हैं और टाइम है गाइस 4:15. मेरे कुछ दोस्त गाइस पहले से ही वहाँ पर आ चुके हैं. उन्होंने कहा गाइस इंडियन, चाइनीज़ और तंदूर जो है गाइस आइटम जो है बहुत ज़बरदस्त है. ये गाइस हम लोग BNR ब्रिज बस पहुँच चुके हैं, पार करने वाले BNR गाइस जाने वाले एकदम राइट साइड में है गाइस. वो रेस्टोरेंट है Barrel House. सो कुछ दिन पहले गाइस काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करे थे यार थाली के बारे में वीडियो बनाओ. तो गाइस यहाँ पर भी जो है थाली अवेलेबल है. अभी जाके देखता हूँ कि प्राइस कितना है और क्या क्या अवेलेबल है थाली में. तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं Barrel House, जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पर पंजाबी तंदूरी और बंगाली थाली जो है कमाल का मिलता है. सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:35 और गाइस अभी हम लोग है BNR पे. ये जो प्लेस है बहुत ही आइकॉनिक प्लेस में है, तो इस लोकेशन आपको ढूंढने में बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी. फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ लोकेशन एक बार. तो गाइस फाइनली हम लोग Barrel House के रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच चुके हैं. और गाइस ये रहा मेनू कार्ड. तो मैं आपको मेनू कार्ड का पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा, क्या क्या आइटम अवेलेबल है, प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा. उससे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर गाइस मेरे साथ आया हुआ है गौरव और सोविक. मेरे कुछ दोस्त ने इससे पहले मुझे बताया था कि ये जो रेस्टोरेंट है BNR के पास एकदम ही नया खुला हुआ है और कुछ आइटम के लिए ये फेमस है, लाइक पंजाबी, तंदूरी और चाइनीज़. इस आइटम के लिए गाइस ये फेमस है. तो चाइनीज़ मेरा फेवरेट है और तंदूरी भी गाइस हम लोग बहुत खाते हैं. और खास करके गाइस एक आइटम जो आसनसोल में बहुत कम जगह पे मिलती है या फिर ना के बराबर मिलती है, वो है गाइस रुमाली रोटी, जो यहाँ पर अवेलेबल है. सो ये गाइस आज हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे. सो उससे पहले गाइस हम लोग देखते हैं कि मेनू कार्ड में क्या क्या अवेलेबल है और हम लोग चूज़ करते हैं गाइस. फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया. हम लोगों ने फिलहाल अभी स्टार्टर पे दो आइटम ऑर्डर किया है. वो है गाइस एक चिकन अंगारा, जिसका प्राइस है 190 रुपीज़, और ड्रैगन चिकन. इससे पहले मैंने ट्राई किया मगर मेरे दो दोस्त सोबिक और गौरव ने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से मंगाया जाता. मगर यहाँ पर गाइस जो ड्रैगन चिकन का प्राइस है वो 200 रुपीज़ पर प्लेट है. आप ये दो फिलहाल ले कर आइए. तक जब तक हम लोगों का स्टार्टर गाइस आता है, तब तक हम लोग कुछ मेन कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब चूज़ करते हैं कि क्या हम लोग खा सकते हैं, क्या ये लोग खाना पसंद करेंगे. क्योंकि जैसे कि मैंने गाइस आप लोगों को बताया कि यहाँ का तंदूरी और बंगाली थाली जो है बहुत ही मतलब अच्छा है. मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं और आने के बाद गाइस उसने मुझे इन्फॉर्म किया, तो मैं भी गाइस आया हूँ. उससे पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा. यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पर सेल्फी लोगे और लोकेशन के साथ और इसके फेसबुक पेज पे, मतलब Barrel House का कोई फेसबुक पेज है, वहाँ पर अगर आप टैग करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. मैं आपको दिखाता हूँ. ये रहा गाइस, ये देख सकते हो आप, ये जो बोर्ड है यहाँ पर आप टैग कर लो, टेक अ सेल्फी, अपलोड टू अवर फेसबुक एंड टैग, तो आपको Barrel House की तरफ से 10% का डिस्काउंट मिलेगा. ये मैं कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली ये बोर्ड देख के बोल रहा हूँ. मैं फिर भी कन्फर्म करके आप लोगों को बताऊँगा. सो गाइस ये रहा हम लोगों का ड्रैगन चिकन और ये चिकन अंगारा. सो गाइस अभी इसे हम लोग टेस्ट करते हैं गाइस, फिर मैं आपको बताता हूँ कि गाइस ये टेस्ट वाइज कैसा है. सबसे पहले मैं ड्रैगन चिकन को यहाँ पर ट्राई करता हूँ. सो गाइस ये रहा हमारा ड्रैगन चिकन. Mm.
सो गाइस यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर गार्निशिंग किया गया है, देखने में जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, खास करके ये टमाटर, जो टमाटर खुल गया। सो यहाँ पर गाइस चिकन को काफ़ी अच्छी तरीके से छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे स्लाइसेस किए गए हैं, आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। और इसे कैप्सिकम, टमाटर, कोरिएंडर और टमाटर और काजू के साथ यहाँ गाइस सर्व किया गया है। चाइनीज़ के साथ गाइस हम लोग एक तंदूरी भी ऑर्डर किए हैं, जो है चिकन अंगारा। सो गाइस एक प्लेट चिकन अंगारा का प्राइस जो है 190 रुपीज़ है, और यहाँ पर आपको 6 पीसेस मिलते हैं। और ड्रैगन चिकन था गाइस, वो एक चाइनीज़ आइटम था, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्लाइसेस थे चिकन के, और यहाँ पर गाइस पीसेस मिलते हैं तंदूरी के। तो ये रहा गाइस चिकन अंगारा, यहाँ पर बीट भी है, आप चाहो तो बीच बीच में ये बीट का ये भी गाइस ले सकते हो लाइक दिस। गाइस ये चिकन अंगारा का टेस्ट भी गाइस बहुत ही ज़बरदस्त है, एक स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा है, एक मतलब मैं आपको बता के एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मगर ये गाइस रियली में काफ़ी ऑसम है। क्योंकि चिकन अंगारे के साथ चटनी ऑर्डर किया, क्योंकि सोबी को विदाउट चटनी खाना हैबिचुएटेड नहीं है वो, तो इसीलिए उसने चटनी ऑर्डर किया। तो गाइस यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे 4:30 PM के पास, और धीरे धीरे गाइस यहाँ का भीड़ जो है बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इसका जो प्लेस है एक आइकॉनिक प्लेस में है, जो है BNR। यह तंदूर में खाने के लिए हम लोगों ने ये शायद पुदीना की चटनी, मिंट और शायद हो सकता है कि ग्रीन चिली मिक्स करके एक चटनी बनाया गया है। अभी इसे टेस्ट करने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है, दोनों को मिलाने के बाद एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है, और ये चटनी के बिना ये तंदूर अधूरा है। तो अगर आप ये तंदूरी आइटम चिकन अंगारा ऑर्डर करो तो ये चटनी लेना मत भूलना। ये है हम लोगों का चिली चिकन काठी रोल, क्योंकि काठी रोल इससे पहले हम लोगों ने आसनसोल में तो कभी नहीं ट्राई किया, आई थिंक आप लोगों ने भी कभी नहीं ट्राई किया होगा काठी रोल। सो अगर आपको काठी रोल ट्राई करना है तो आपको बैरल हाउस आना होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि काठी रोल यहाँ पर कहीं अवेलेबल नहीं है। कोलकाता में बहुत सारा ऑप्शन है, बट आसनसोल में भाई अभी फ़िलहाल यही है, तो इसीलिए गाइस हम लोगों ने ये ऑर्डर किया ताकि मैं आपको कुछ नया दिखा सकूँ। सो मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ और इसे गाइस खोल के भी बताता हूँ कि ये कैसा है। सो फिलहाल ये हम लोगों ने काट के एक पीस ऑर्डर किया है जस्ट ट्राई करने के लिए, तो ये दो पीस कर दिया है। नॉर्मल चिकन रोल जो हम लोग खाते हैं उससे कहीं बेहतर है ये काठी रोल, हम लोगों को काफ़ी पसंद आया। तब तक सोविक ने मेन कोर्स ऑर्डर कर डाला, क्योंकि उसने बोला कि रुमाली रोटी जो आसनसोल में अवेलेबल नहीं है, तो लेट्स ट्राई रुमाली रोटी। तो यहाँ पर रुमाली रोटी का जो प्राइस है गाइज वो 30 रुपीज़ है, तो हम लोगों ने फिलहाल दो ही ऑर्डर किया है, अगर लगेगा तो हम लोग और भी ऑर्डर करेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि साइज़ कितना है और कितना हम लोग खा पाएंगे। 30 रुपीज़ करके पर पीस है, और एक प्लेट बटर चिकन जिसका प्राइस है 220 रुपीज़, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हम लोग बटर चिकन नहीं ट्राई किया। ऐसे तो हम लोग चिली चिकन, चिकन 65 ये सब खाते रहते हैं, सो इस बार गए हम लोगों ने बटर चिकन ऑर्डर किया और रुमाली रोटी। वैसे तो काफ़ी सारे पराठा हर जगह अवेलेबल है, लाइक तंदूरी रोटी, कुलचा वुलचा सब सारे यहाँ पर अवेलेबल है, तो रुमाली रोटी जो है गाइस आसनसोल में बहुत कम अवेलेबल है, तो इसीलिए गाइस सोबिक ने बोला कि लेट्स ट्राई रुमाली रोटी। सो गाइस ये रहा हम लोगों का बटर चिकन 220 रुपीज़। सो एक कढ़ाई में पूरा का पूरा बटर चिकन को सर्व किया गया है, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से गाजर और कोरिएंडर लीव्स का गार्निशिंग किया गया है, आई थिंक मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। गाइस हम लोगों का रुमाली रोटी जो मैं गाइस इसका आसनसोल में बहुत क्राइसिस है, हर जगह आपको ये नहीं मिलता। तो एक रुमाली रोटी का साइज़ गाइस अभी मैं इसको खोलने वाला हूँ, देखता हूँ कितना बड़ा साइज़ है। पहला बार ट्राई किया है तो अच्छा लग रहा है, बटर से पहले कभी नहीं खाया, नहीं इससे पहले कभी नहीं खाया, पहला बार ट्राई कर रहे हैं, और बटर चिकन के साथ जो है इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। इतना अच्छा है, खाना छोड़ के बनने का मन नहीं कर रहा,
खाते रहने का मन कर रहा है कि बस खाते रहे खाते रहे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया रुमाली रोटी का साइज़ तो गाइस काफ़ी था, आई थिंक दो रुमाली रोटी हम लोग तीन जन के लिए सही है। चिकन का क्वांटिटी गाइस 220 रुपीज़ में एक प्लेट था, वो काफ़ी ज़्यादा था। आपको मिलते हैं एक प्लेट में 6 पीस। सो ये रहा गाइस बटर चिकन। यहाँ का जो बटर चिकन है मुझे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं लगा, आई थिंक बटर होने की वजह से थोड़ा टेस्टी है, थोड़ा स्मूथ है इसका टेस्ट, और बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं बोलूँगा मगर थोड़ा सा मीठा टाइप का है और तीखा तो बिल्कुल ही नहीं है। तो और स्पाइसी जो है बहुत ही स्मूथ है, इसका जो स्पाइस है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। रुमाली रोटी के साथ गाइस बटर चिकन खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं इस फोर्क को रखता हूँ साइड में और अपने हाथों को लाता हूँ काम पर, क्योंकि रुमाली रोटी खाने के लिए मुझे अपना हाथों का इस्तेमाल करना होगा। ये रुमाली रोटी गाइस टेस्ट वाइज मैं बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्लेन है, मतलब बहुत ही पतला है और काफ़ी क्वांटिटी में भी ज़्यादा है। आई थिंक 30 रुपीज़ अगर आप एक आदमी हो तो आई थिंक आपको एक ही लेना चाहिए, अगर आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप मंगा लो। यहाँ पर गाइस मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, जो बटर चिकन था गाइस वो रियली में काफ़ी अच्छा था। हम लोग तीनों अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग तीनों गाइस ये बटर चिकन बहुत ही पसंद आया, आप भी गाइस मिस मत करना। सो गाइस अभी हम लोगों का जो बंगाली फिश थाली है वो आ रहा है और इसका जो प्राइस है गाइस 150 रुपीज़। अभी फिलहाल जो है गाइस चावल और कुछ आया, अभी और भी आइटम बाकी है। ये हम लोगों का बंगाली थाली जो रेडी हो चुका है। अभी गाइस मैं एक एक करके बताता हूँ कि क्या क्या हम लोगों को अभी मिला है। सो सबसे पहले गाइस ये एक प्लेट राइस, साथ में गाइस ये आलू फ्राई है और दो लाइम पीसेस और कुछ ग्रीन चिलीज, और ये गाइस एक प्लेट चावल, और साथ में गाइस हम लोगों को मिलता है एक प्लेट गोभी का सब्जी जो क्वान्टिटी में तो काफ़ी है, गोभी का सब्जी फुल गोभी तरकारी से, और एक फिश मिलता है गाइस। ये कौन सा फिश है? कतला दाल है हम लोगों का, एक प्लेट यहाँ पर दाल मिलता है, दाल भी गाइस काफ़ी ज़्यादा है, और ये गाइस एक शुक्तो का सब्जी है बंगाली सब्जी, और ये गाइस चटनी। सो ये गाइस पूरा का जो आप देख रहे हो, पूरा आप जितना भी थाली है, ये इसका प्राइस है ओनली 150 रुपीज़। मुझे गाइस बिलीव नहीं हो रहा था, देखिए क्वान्टिटी देखिए और इतना सारा ये देखिए कि ये 150 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। सो इसे में हम गाइस ट्राई करते हैं पहले सब। का जो सब्जी है एक्चुअली मैं भी बंगाली हूँ तो मेरे घर पे भी ये बनता है, तो मुझे सुक्तो का सब्जी कुछ खास पसंद नहीं है। बाय द वे यहाँ पर मुझे यहाँ पर गोभी का सब्जी मिला है फुल गोभी तरकारी जो मेरा फेवरेट है, तो ये मैं ज़रूर खाना चाहूँगा। बहुत ही सही है गाइस, फूल गोभी का सब्जी भी गाइस काफ़ी सही बना है। अभी गाइस मैं थोड़ा सा फिश ट्राई करता हूँ। कतला माछ, तो ये है गाइस हम लोग का कतला माछ साथ में ग्रेवी। बहुत सही बना है गाइस ये फिश। सही में गाइस मुझे आइडिया नहीं हुआ था कि 150 रुपीज़ में आपको तो कोई एक चिकन का आइटम सही से प्लेट नहीं मिलेगा, मगर यहाँ पर आपको 150 रुपीज़ में इतना सारा एक बंगाली थाली मिल रहा है। आई थिंक इस प्राइस में आपको इतना आइटम नहीं मिलने वाला आ रहा है, एक आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा है। सो मुझे गाइस ये काफ़ी पसंद आया कतला माछ, ये भात और ये पूरा पूरा बंगाली थाली। अगर आप लंच टाइम पर ये खा ही सकते हो अगर आप बाहर में हो तो, जो टेस्ट है लग ही नहीं रहा कि कोई मैं रेस्टोरेंट पे बैठ के खा रहा हूँ, घर वाला फ्लेवर आ रहा है इसमें। ये रहा गाइस हम लोग का बैग, कार्ल हाउस का डिब्बा आया है गाइस। $8.90 ओनली आई हैड ड्रैगन चिकन एक प्लेट, चिकन अंगारा, चिली चिकन, काठी रोल, रुमाली रोटी, बंगाली थाली, फिर भी गाइस हम लोगों का बिल जो होगा गाइस 890। हम लोगों का इस पेट जो है बिल्कुल भर चुका है, हम लोगों ने इतना कुछ ट्राई किया, बिल आप देख सकते हो गाइस 890 रुपीज़ ओनली, पेट भर के गाइस हम लोगों ने खाना खाया। सबसे गाइस मुझे पसंद आया बंगाली थाली गाइस, विच वॉज वेरी नाइस गाइस, बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी था, एंड प्राइस वाइज गाइस देखे जाए ओनली 150 रुपीज़। और सबसे ज़्यादा गाइस हम लोगों को पसंद आया और ड्रैगन चिकन, इन लोगों ने पहले कभी ट्राई नहीं किया था, तो गौरव को और सोविक को ड्रैगन चिकन बहुत पसंद आया, मुझे सोविक को वो बटर चिकन गाइस बहुत पसंद आया, और ये रुमाली रोटी गाइस जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला,
आपको यहाँ पर आकर ट्राई कर सकते हो। रुमाली रोटी के साथ आप चिली चिकन के भी साथ ट्राई कर सकते हो गाइस, मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बटर चिकन के साथ ट्राई करो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइस इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।